हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन महारानी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। चिकन महारानी बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे। मैंने लिया है आधा किलो चिकन। इसमें ऐड कर दिया एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और ऐड करेंगे आधा कप दही। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन मैरिनेशन के लिए हम इसे आधा घंटे रख देंगे। आप लोगों के हाथ में अगर ज्यादा टाइम है तो आप लोग इसे 2 घंटे रख सकते हो। मैंने चिकन अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक के आधा घंटे के लिए रख देंगे। काजू और बादाम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब बादाम को छील लेंगे। मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम लिया है। सारे बादाम छील लेंगे। अब इसका पेस्ट बना लिया है, आप लोग देख सकते हो। हम एक मसाला बना लेंगे। कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच सौंफ। अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो में रखना है, नहीं तो जल सकते हैं। हल्का सा रोस्ट करेंगे। मेरा रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको पाउडर बना लूंगी। पाउडर बना लिया है। आधा घंटा हो गया है, चिकन मैरिनेट हो गया। अब इसको हम बनाते हैं। कढ़ाई में डाल दिया 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, डाल दिया तेज पत्ता और साबुत गरम मसाला। चिकन महारानी बनाने के लिए आप तेल कम यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ी ज्यादा तेल यूज की इसमें। अब इसमें ऐड कर दिया कटा हुआ प्याज। प्याज ज्यादा नहीं फ्राई करना, इसको थोड़ी सी सॉटे कर लेंगे। प्याज सॉटे कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लहसुन अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। आप लोग चाहो तो हल्दी पाउडर स्किप कर सकते हो, क्योंकि चिकन महारानी में हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। आप लोग अगर यूज करना है तो थोड़ी सी यूज करें। मसाला फिर से अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद उसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। मसाला के साथ चिकन अच्छे से मिला देंगे। ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो चिकन 70% कुक हो गया है। इसमें ऐड करेंगे काजू और बादाम का पेस्ट और अच्छे से मिला देंगे। फिर से ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए।
गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। 5 मिनट हो गया है और हमारा चिकन पूरी तरह से कुक भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मसाला, हम जो बनाया था वो वाला मसाला ऐड कर दिया, पूरा नहीं ऐड करना, बस 2 चम्मच ऐड कर दिया। और लास्ट में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन महारानी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है, लीजिए आप लोग ट्राई कीजिए।